सोनाक्षी रानी और हमारी किट्टू रानी दोनों हो गई हैं तैयार। हम लोग बंगला साहब गुरुद्वारे में आ रखे हैं और शादी से पहले मैं और किट्टू भी यहाँ पे आए थे। उसके तो लगी हुई है प्रसाद की लाइन में। मुझे यहाँ का जो हलवा है प्रसाद में मुझे बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ज्यादा। यहाँ का लंगर भी हमने खाया और हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं हूँ आपका दोस्त अमित जायसवाल और आज लेकर के आ गया हूँ एक अलग ही तरीके का ब्लॉग। तो दोस्तों आज मैं ऑफिस में आया हुआ था, मेरा मन थोड़ा सा कुछ अजीब सा हो रहा था कि मैं जाऊँ गुरुद्वारे चला जाऊँ। तो कभी कभी होता है ना कि मन में अशांति होती है, शांति के लिए आदमी सोचता है कहाँ चला जाऊँ। तो जब भी मेरे मन में कुछ भी ऐसी अशांति होती है तो मैं हमेशा बंगला साहब गुरुद्वारे जाता हूँ। तो ऐसा क्यों ना अकेले में क्यों जाऊँ। फिर मैंने किट्टो को फ़ोन किया है कि किट्टो आओ, और उसको मैंने बताया नहीं कि कहाँ जाना। मैंने बोला आ जाओ ऑफिस आ जाओ मेरे, तो बोल रही क्या हुआ। मैं कहा नहीं तुम मेरे ऑफिस आ जाओ, कुछ काम है। उसको मैंने बुला रखा है, फिर अभी आ रही है वो। और उस और सबसे बड़ी बात है कि किट्टो जब पहली बार दिल्ली आई थी कहीं नहीं आ जा पाती थी, लेकिन अब मैंने उसको सब कुछ बता रखा है तो ऑटो में बैठती है, बता देती है ऑफिस का एड्रेस, तो सीधे ऑटो वाला उसको ऑफिस आकर के छोड़ देता है। तो अभी आने वाली है वो, आ जाएगी फिर मैं जाऊँगा उसको पिक करूँगा। और जैसा कि उसको पता जब भी वो आती कुछ ना कुछ खाती पीती ज़रूर है, तो आएगी और कुछ खाएगी पिएगी, फिर उसको लिवा के चलूँगा बंगला साहब गुरुद्वारे और फिर देखता हूँ बैठेंगे वहाँ पर कुछ सुकून से। क्यों दोस्तों, और आज आप लोग भी हमारे साथ बंगला साहब गुरुद्वारे चलिए, चलते हैं गुरु जी के दर्शन करते हैं आज। क्यों दोस्तों, चलिए। तो हमने अपने पतिदेव को कॉल कर लिया है, वो बोले इतनी जल्दी आ गई मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था इसलिए हम जल्दी आ गए हैं। और हम और सोनाक्षी बाहर वेट कर रहे हैं, बिल्कुल वेटिंग रूम में ये हम लोगों का है, हम लोग देख सकते हैं बस इनके आने तक का इंतजार कर रहे हैं। इतना टाइम लगा रहे हैं, मेरे को वेट नहीं किया जा रहा है क्योंकि मुझे बहुत प्यास लगी है, बहुत तेज प्यास लगी है, गर्मी तो है। ये देखो वेट करते करते अभी तो आए हैं, बहुत ही प्यास लगी है। सर 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 एक सर है, किस लिए बुलाए हैं मुझे पता नहीं है, मुझे बहुत ही प्यास लगी है। पहले मुझे प्यास लगी है, किस लिए बुलाई है बताओ। चलेंगे हम लोग गुरुद्वारे बंगला साहब, इसके लिए बुलाए हैं दर्शन करने। दर्शन करने के लिए बुलाए थे, मुझे पहले पानी पिलाइए, चलिए। ये तो बिल्कुल जैसे लग रहे हैं, गर्मी बहुत है। चलो सोनाक्षी, ऐसे ऐसे भी तो ठीक लग रहा है मेरा, ऐसे भी तो ठीक लग रहा है मेरा, ऐसी की हवा आ रही है। दोस्तों हम आ चुके हैं वेयर हाउस में अपने पति देव से मिलने, मेरा मन नहीं लग रहा था तो पति देव ने हमको कॉल करके बुला लिया, तो हम आके यहाँ पे बैठे हैं। और ये पति देव का कपड़ा है मैंने लेकर आया है कि तो कपड़ा एक्स्ट्रा लेकर आया कि तो ड्यूटी वाले मतलब नॉर्मल कपड़ा पहन के आए थे, फिर घूमने जाओ तो कुछ अलग से पहले तो अच्छा लगता है। तो आते ही सोनाक्षी का रिएक्शन दिखाते हैं आप लोगों को। ये है सोनाक्षी, सोनाक्षी का फेवरेट है पास्ता, वाइट पास्ता, और ये सेक पी रही है और मैं चॉकलेट सेक है, और ये चॉकलेट सेक ये मेरे लिए निकाल रखे हैं। ये ले लोगी क्या, खाओ ले ले लो ले लो ले लो, इतना बड़ा सा आराम से सोनाक्षी आधा ले लो, आराम से सोनाक्षी आराम से खाओ, सब तुम्हारा ही है, आराम आधा ले लो। A few moments later. तो दोस्तों हमारी सोनाक्षी रानी और हमारी किट्टू रानी दोनों हो गई हैं तैयार और अब मुझसे मिल चुकी हैं, और अब हम लोग निकलने वाले हैं बंगला साहब गुरुद्वारे के लिए। इस टाइम हम लोग हैं कनॉट प्लेस में खड़े, हम कब का तैयार हो चुके हैं, तुम कब का तैयार हो चुकी हो। और किट्टू हो रही मुझसे गुस्से क्योंकि मैं ऑफिस में कर दिया हूँ लेट, बजने वाले हैं 6:15 मतलब 6:30 बजने वाले हैं,
तो निकल चुके हैं बंगला साहब गुरुद्वारे के लिए और अपने ऑटो में। तो दोस्तों इस टाइम हम हैं गुरुद्वारा बंगला साहब के बाहर और मेरा मन थोड़ा आज अशांत सा था तो मैंने किट्टू को बोला कि किट्टू तुम आ जाओ मेरे ऑफिस। उसने बोला क्या हो गया, मैं कहा बस तुम आ जाओ बस। फिर वो जब आई है फिर मैं उसको लिवा करके सुनाची हमारे साथ बहुत बार आई है ना और अभी हम लोग जाएंगे शाम अपना माथा टेकेंगे। तो किट्टू जी ये गुरुद्वारा बंगला साहब है, अभी चलते हैं हम लोग अंदर। आप गुरुद्वारे में जैसे ही आप एंट्री करते हैं वहाँ पे शूज़ रखने की पूरी व्यवस्था है, आप वहाँ पे अपना शूज़ निकालिए और जाइए वहाँ के काउंटर पे दीजिए, आपको एक टोकन मिलता है, उस टोकन को आप संभाल के रखिए, जब आप वापस आएंगे वो टोकन आप देंगे तो आपको शूज़ आपका वापस मिलेगा। दोस्तों गुरुद्वारा बंगला साहब दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण गुरुद्वारों में से एक है। यह अपने स्वर्ण मंडित गुंबद शिखर से एकदम ही पहचान में आ जाता है। यह नई दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर गोल मार्केट नई दिल्ली के निकट स्थित है। दिल्ली पहुंचने के बाद आप बंगला साहब जा सकते हैं, मेट्रो से जा सकते हैं, ऑटो से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं। गुरुद्वारा दिल्ली के कनॉट प्लेस पर स्थित है। यह गोल डाक खाना के पास है। यहाँ का नज़दीकी मेट्रो स्टेशन राजीव चौक, पटेल चौक या शिवाजी मेट्रो स्टेशन से आप पहुँच सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही पीसफुल जगह है। शादी से पहले मैं और किट्टू भी यहाँ पर आए थे, उसकी कुछ झलकियाँ होंगी, कुछ पुरानी तस्वीरें होंगी जो मैं इस ब्लॉग में लगाऊंगा, आप लोग देखिएगा। और किट्टू देखिए अपनी ब्लॉग में बिजी, मैं अपनी ब्लॉग में बिजी हूँ। तुम्हें कैसा लगा मैं तुम्हें स्पेशली बुलाया गुरुद्वारे के लिए? मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे दर्शन करने का आपसे बोल लेते कि मेरे को दर्शन कहीं करा दो। और हम लोग शादी से पहले आए थे तो और शादी बहुत अच्छा लगता है कि शादी के पहले घूम लो फिर शादी के बाद घूमो तो वो दिन वो समय याद आ जाता है। वो कुछ क्लिप्स जो हमारे वीडियोस के थे, कुछ फोटोज के थे वो मैं लगाऊँ, मेरे ख्याल से फोटो ही से मैं लगा दूंगा सारे। आप लोग देखिए उस टाइम किट्टू कैसी लगती थी, मैं कैसे लगता था और आज कैसे लग रहे हैं हम लोग। देखिए आज बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये पूजा दर्शन करने के पहले हाथ पैर धोना चाहिए, ये हाथ धोना चाहिए। गुरुद्वारे में प्रवेश से पहले आपको हाथ धुलना पड़ता है और गुरुद्वारे से जस्ट बाहर पैर धुलने के लिए वहाँ पे ऑटोमेटिक पानी आता रहता है, आप उसमें जैसे ही अपना पैर रखेंगे आपका पैर वॉश हो जाएगा, फिर आप गुरुद्वारे में धीरे धीरे सीढ़ियों से प्रवेश करते हैं। तो यदि आप गुरुद्वारा जा रहे हैं तो आपको अपने सर को ढकना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास कोई वस्त्र है तो ठीक है, नहीं तो गुरुद्वारे पे ही आपको कपड़े मिल जाते हैं जिससे आप अपना सर ढक सकते हैं। और गुरुद्वारा बंगला साहिब खुलने का जो समय है सुबह के 5 बजे से रात के 12 बजे तक गुरुद्वारा बंगला साहिब ओपन रहता है। दर्शन किए हैं और अंदर मोबाइल अलाउ नहीं था तो इसकी वजह से हम लोगों ने वहाँ पे फोटो भी वगैरह कुछ नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया हमने। पानी के पास जाना है, आपको दिखाते हैं पानी। तो हमने अंदर माथा टेक लिया है और बहुत ही सुकून मिलता है, अंदर बैठिए आप और गुरु जी के दर्शन करिए, बहुत अच्छा लगता है, माथा टेकिए यहाँ पे। और हम लोग तो मैं तो ऑफिस से बिल्कुल पास है, 5 मिनट के रास्ते पे है, तो अभी तो देखिए हम लोग 7 भी नहीं बजे और माथा टेक लिए, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट रहता है यहाँ पर। और देखिए कितना भीड़ है, काफ़ी है। दोस्तों दिल्ली के बंगला साहब गुरुद्वारा की काफ़ी मान्यता है, बताया जाता है कि यह गुरुद्वारा पहले जयपुर के महाराजा जय सिंह का बंगला था। सिखों के 8वें गुरु हर सिंह अपने दिल्ली प्रवास के वक्त यहाँ रहते थे, उस वक्त हैजा और स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियाँ फैली थी। गुरु महाराज ने लोगों को अपने आवास से पानी और दूसरी सेवाएँ देकर मदद की। मान्यता है कि यहाँ का पानी रोग नाशक है और इसे पवित्र माना जाता है, इसलिए दुनिया भर के लोग अलग अलग कोने से आते हैं और यहाँ का पानी ले जाते हैं और उस पानी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत होती है, ऐसा मान्यता है। जब भी आप यहाँ पे दर्शन करने आएँ तो यहाँ का पवित्र पानी जरूर पिएं और इसको अपने माथे से ज़रूर लगाएं। दोस्तों गुरुद्वारा बंगला साहिब के प्रांगण में ही आपको प्रसाद मिलता है,
जो कि एक हलवे के रूप में होता है। आपको लाइन में लगना है, टोकन लेना है और दूसरे रूम में आपको वो टोकन दे करके आपको हलवा मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। किट्टो जी लगी हुई लाइन में। दोस्तों, हमें गुरुद्वारा बंगला से आकर के बहुत खुशी मिली, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शक्ति आई है, सबकी मनोकामना पूरी होती, तो बहुत शांति मिलती है, बहुत ज़्यादा ही शांति मिलता है। जो होता है ना हलवा, मुझे यहाँ का जो हलवा है प्रसाद में, मुझे बहुत टेस्टी लगता है। मैंने मम्मी का हाथ का ही बनाया है, एकदम सेम टू सेम ही बनाती है। बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। मुझे लगा, जानते चाहे जितने का भी तुम दो, 10 रुपये भी दे सकते, 20 रुपये भी, तुम्हारे ऊपर है। इस टाइम हम लोग लंगर की लाइन में लगे हुए हैं और वहाँ पर जाकर अगर आप लंगर का प्रसाद ले सकते हैं, लेकिन इसे छोड़ना या फेंकना गुरु का अपमान माना जाता है। आप जितना खा सकते हैं उतना ही प्रसाद आपको लेना है। अब हम लोगों ने लंगर खा लिया है, प्रसाद ग्रहण कर लिया है, लेकिन जहाँ पर लंगर खिलाया जाता है वहाँ पर आप किसी भी तरीके का फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, वहाँ बिल्कुल वर्जित है। तो दोस्तों, हमने काफ़ी समय स्पेंड किया है गुरुद्वारा बंगला साहब में और यहाँ का लंगर भी हमने खाया, और हर बार जब भी हम लोग आते हैं, पहले इसके पहले मैं, भाभी सोनाक्षी और ऋषभ भाई साहब कई बार आए हैं, और किट्टो के साथ पहली बार आया हूँ। पहली बार क्या, शादी के बाद पहली बार आया हूँ, शादी से पहले दूसरी बार आया हूँ। और जो इस लंगर मैंने खाया इसके साथ पहली बार था ना किट्टो, और बहुत ही अद्भुत होता है। पर किट्टो मासी और चाचा लोग घूम के तो मतलब कि गायब हो गए थे, और बहुत ही सुकून और बहुत ही शांति मिलती है। अभी तो हर जगह देखिए कैमरा वगैरह बंद कर रखा है, अंदर हम लोगों ने जहाँ पे लंगर वगैरह खाया वहाँ भी बंद कर रखा है, वीडियो बनाना फोटो खींचना हर जगह बंद है। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ मैं। इस गुरुद्वारे के अंदर ही आपको बाला प्रीतम दवाखाना मिल जाता है, जिसमें आपको मार्केट से बहुत ही कम रेट में दवाइयाँ मिलती हैं। और दोस्तों, इसमें MRI सिर्फ आपका 50 रुपये में हो जाता है, CT स्कैन 20 से 50 रुपये के अंदर हो जाता है, मार्केट से बहुत ही कम रेट में आपको दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। तो कनॉट प्लेस मतलब राजीव चौक मेट्रो से बिल्कुल पास में है और यहाँ का नियर बाई मेट्रो भी है, तो आप बिल्कुल आराम से आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर ट्रेवलिंग करने में। आने में जो दिल्ली में रहता है, जो दिल्ली में रहते हैं प्लीज़ गुरुद्वारा बंगला साहब ज़रूर आएँ। और किट्टो तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, अपना ब्लॉग शूट कर रही हैं। अपना ब्लॉग क्या शूट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई परमिशन ही नहीं है। ये मैं हूँ आई मतलब ये मैं हूँ, ये हमारे पति देव है, ये हमारी सोनाक्षी है, और यहाँ पे दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गया। क्या मुझे दिखा। जब आपको लगे कि अब आपको जाना है, तो जहाँ पे आपने अपना शूज दिया था रखने के लिए वहाँ पे आपको अपना टोकन लेके जाना है। टोकन आप देंगे तो आपको आपका शूज रिटर्न मिलता है, फिर आप वहाँ से अपना शूज पहन के निकल सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग निकल चुके हैं गुरुद्वारा बंगला साहब से। तो गुरुद्वारा बंगला साहब से बाहर जाने का रास्ता कुछ इस प्रकार से है, आप यहाँ से बाहर जा सकते हैं, यही रास्ता अंदर जाने का, यही रास्ता बाहर जाने का, दो तीन रास्ते हैं, एक रास्ता ये, एक रास्ता दूसरे साइड से भी है, ये दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने से रास्ता है। तो अब हम लोग गुरुद्वारे से बिल्कुल बाहर आ गए हैं, और जैसे ही बाहर आप निकलोगे तो आपको कुछ दुकानें मिल जाएंगी। बाहर आपको कन्वेंस की कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, ऑटो खड़े रहते हैं, थोड़ी सी वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको मेट्रो मिल जाता है, तो कन्वेंस की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे आने और यहाँ से जाने के लिए। अगर आप लोगों को लगता है कि आज के ब्लॉग में आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिली है, तो ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे इस चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और भाई लाइक कमेंट शेयर करना कतई ना भूलें। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लव यू।